खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस समय की एक और बड़ी खबर जो कि जेएनयू से मिल रही है वो हम आपको बता देते हैं। जेएनयू जांच को लेकर ये बड़ी खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल को नोटिस जारी किया है। दरअसल जेएनयू के 3 प्रोफेसर्स ने सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप की चैट और दूसरे सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि जिन एजेंसीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वो डेटा को सुरक्षित रखें वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि तीनों ही बाहर की एजेंसीज हैं। मैं रुक कर लेती हूं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित गुप्ता, हाई कोर्ट ने तो नोटिस जारी कर दिया है लेकिन समस्या यह है कि चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये सब बाहर के देशों से ऑपरेट होते हैं, तो कितना ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को सीरियसली लेंगे और किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ये समस्या है। फिलहाल अभी जो है कोई निर्देश तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नोटिस जरूर जारी किया गया है। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि जो याचिका में बात कही गई है कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल और ये जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जो हिंसा हुई थी उससे जुड़े हुए जो मैसेजेस वायरल हुए थे या मैसेजेस जो सर्कुलेट हुए थे उनको प्रिजर्व किया जाए। तो हाईकोर्ट ने इन सभी जो है जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उनका क्या कहना है। इस सबके बीच में दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को बताया है कि उन्होंने भी इन प्लेटफॉर्म्स से जो है संपर्क साधा है और जो डाटा इनके पास में है उस खास तौर पर जनवरी 5 को जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ उसको प्रिजर्व करने की बात कही है। तो अभी वो भी जो है दिल्ली पुलिस भी इन जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इनके जवाब का इंतजार कर रही है। तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब कल तक देना है। तो कल जब इन सभी जो प्लेटफॉर्म्स का जवाब सामने आएगा तब स्थिति ज्यादा बेहतर साफ हो पाएगी। लेकिन जैसा आपने जिस बात का जिक्र किया कि इनके सर्वर जो बेसिकली देश के बाहर है, तो ऐसे में इससे पहले भी जब इस तरीके का विवाद हुआ था तो कई सारे सवाल जरूर उठे थे जांच को लेकर के, और अब कल इनका क्या रुख होगा ये कल जो है होने वाली सुनवाई के दौरान पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक के लिए नोटिस जारी किया है कि जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। हालांकि अब गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप का क्या रिस्पांस होगा ये अभी भी बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बता दें कि जेएनयू हिंसा के बाद जिस तरीके से वीडियोज वायरल हुए थे उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है।